ऑन एंड ऑफ द डायस. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. पूरे छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं बोलने की. एक वृद्ध प्रदेश जिसका 45% हिस्सा ग्रीन बेल्ट से कवर्ड है, इफरात अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर में, बट मैं आज इंडस्ट्री के ऊपर मैं ज़्यादा बोलने की कोशिश करूंगा. दिस इज अ स्टेट विच हैज़ गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ लाइम स्टोन एंड विद द SECL इन टू बींग वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ कोल. बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ अ हब ऑफ स्टील एंड सीमेंट इन इंडिया. जो मेरी ध्यान पड़ता है मुझे 250 मिलियन टन जो सीमेंट बनता है उसका 50 मिलियन टन सीमेंट छत्तीसगढ़ में बनता है, अप्रॉक्सीमेटली 20%. एंड आउट ऑफ 100 मिलियन टन वी आर अप्रॉक्सीमेटली मेकिंग 30 मिलियन टन ऑफ स्टील. सो अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ स्टील इज प्रोड्यूस इन छत्तीसगढ़ एंड अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ प्रोड्यूस इन छत्तीसगढ़. एल्यूमिनियम ऑल्सो इज अ बिग प्रोडक्ट इन छत्तीसगढ़ दैट इज बिंग डन बाय वेदांता ग्रुप. इंडस्ट्रियल परस्पेक्टिव में विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग टू इन्वेस्ट 100 लाख करोड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर, छत्तीसगढ़ हैज़ टू प्ले अ मेजर रोल, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टील इज इंटर रिलेटेड अलॉट. तो वैल्यू एडिशन में वी आर गोइंग, द स्टेट इज गोइंग नाउ इन अ वैल्यू एडिशन ऑल्सो. स्मार्ट सिटी पोल्स जो कभी बजाज पुणे तरफ भी बनते थे दैट ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग इन. विद रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन इज अ मेजर थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन कमिंग 5 years. दे आर प्लानिंग, द रेलवे इज प्लानिंग टू फिनिश द एंटायर इलेक्ट्रिफिकेशन of their entire route of 65,000 kilometer. And my gut feeling is out of that 35,000 is still left, which they are planning to finish in coming 4 years. Out of that 70% of it, the material of the entire electrification will go from the state of Chhattisgarh. That is the competitiveness in fabrication, in engineering of the state with the Bhilai steel plant coming in 50s. And migration happening from all over India. तो पूरी स्टेट में जो एक माइग्रेटिंग पॉपुलेशन जब आती है तो स्टेट में एक नई लेवल की ग्रोथ आ जाती है. बिकॉज देन यू डोंट हैव अ बैगेज ऑफ एनी टाइप. बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इतनी हुई है स्टेट में कि स्टील सेक्टर में जो इंडस्ट्री आपको रायपुर में भिलाई में मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया यू विल फाइंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस आर बीइंग फॉलोड. यू सी द बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, द बेस्ट ऑफ ऑटोमेशन दैट इज हैपनिंग. नाउ द स्टेट इज ऑल्सो एंटरिंग इन टू रोबोटिक्स. भिलाई में तो रोबोटिक्स काफ़ी चालू हो गया है, रायपुर में भी रोबोटिक्स, एंड इट विल टेक द होल ऑफ कंट्री. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स विल ऑल्सो हैव अ मेजर रोल. तो उसके लिए एक नया चैलेंज जरूर आएगा विद द न्यू एजुकेशन, आई मीन टू से विद द न्यू कॉलेजेस ऑल्सो कमिंग अप, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को नए पैराडिग्म में ले जाने में बड़ी सहायक होंगे. विद IIMs एंड IIIT एंड इवन द NIT लोकल कॉलेज को भी, जो NIT का जो इन्होंने दिया है उसके बाद में, what I am continuously seeing is the continuous improvement in the quality of the students from the colleges. तो ये भी एक major sector में major way में फर्क करेगा. ये तो इसको agriculture rice ball भी बोला जाता है हमारे state को. 80% यहाँ पर agriculture dependent है, but यहाँ पर raw silk में काफ़ी major production है. 500 million ton का हम लोगों ने production किया था last year. And even non-basmati rice, there was a huge export of $500 million from the state. जैसे मैं आपको बोल रहा था 100 लाख करोड़ में रेलवे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि कमिंग 10 ईयर्स में दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 20 लाख करोड़ इन कमिंग 10 ईयर्स ओनली इन द रेलवे, छत्तीसगढ़ हैज़ टू प्ले अ मेजर रोल इन द एंटायर इलेक्ट्रिफिकेशन. वॉट आई वॉज ऑलरेडी सेइंग 70% ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्ट्रीब्यूशन विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम फ्रॉम इंडस्ट्रीज ऑफ द स्टेट. 25,000 मेगावाट प्लस की यहाँ पावर जनरेशन है. शायद इंडिया का एकमात्र स्टेट है जो पावर सरप्लस स्टेट है. हम अपना तो कर ही रहे हैं, तेलंगाना आदि राज्यों के साथ भी MOU हुए हैं और उनको हम कंटिन्यूस पावर सप्लाई कर रहे हैं. एज पर एज माई ओन ग्रुप इज कंसर्न, आई बिलोंग टू हीरा ग्रुप, वी आर नोन एज हीरा ग्रुप. अवर फ्लैगशिप कंपनी इज गोदावरी पावर. वी मेक अराउंड 2.4 मिलियन टन ऑफ पेलेट्स. वंस अपॉन अ टाइम 10 ईयर्स बैक आयरन ओर द डस्ट आयरन ओर वॉज जस्ट थ्रोन ऑन टू द इन द ड्रेन्स. Then with technology coming into the picture, it was being converted into pellets, and 30% of the entire iron ore which used to get converted into fines was just lying idle. So in one way, by this manufacturing of pellet, the 30% of the entire capacity of iron ore of the country has gone up. NMDC is also coming up with a pellet plant. With this pelletization,
the entire scene has changed. We have got our resources. The lifespan has gone by another 50 years because of this. We are almost making 2.4 million ton of pellets, out of which 1.8 million ton is in Chhattisgarh. We are first in India to produce solar thermal power in Rajasthan. Solar thermal power is a different, it's a different technology altogether. And it's the first in Rajasthan what we have put up under Jawaharlal Nehru Solar Pariyojana. Now we are coming up with a 200 megawatt PV module technology in the state of Chhattisgarh itself. We have 150 megawatt of power in our state. Now we are going up into value additions. We are into entering into creation of substations, galvanizing, monopoles, towers, smart city poles. In metropolitans, what you find is the lattice tower, which is taking huge amount of land. And with land becoming constrained in the metropolitans, monopole is a new technology that is going to come up. If you see in US and China, 90% of their new poles are coming with monopoles. In India, in metropolitan, it is going to take place in a big way, like city like Bombay, where the land is a lakh rupee a square feet. A 12 meter means 144 means 1440 square feet land is replaced by just 10 square feet. There's a huge, huge saving. So our group has already entered into this. We'll be the fourth largest in India to be making this. We are, other than this, we are actively participating in greening our city. We have already taken a 100 acre eco zone with 45,000 trees, with creation of 3 ponds. It's one of its kind, and it has been done with the solid waste of being put of sponge iron of 10 years. So these are the few things which I would like to highlight to all of you. And I'm very thankful for allowing me to express my opinion. Thank you so much.